HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। जेम्पिन जेक के नाम से पॉपुलर जितेंद्र 75 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। उन्होंने साल 1974 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभा कपूर से शादी की थी। हालांकि बेहद कम लोग ही ये जानते हैं कि जितेंद्र की नजदीकियां कभी हेमा मालिनी से भी थी। यहां तक कि वो अपनी मंगेतर शोभा को छोड़ उनसे शादी करने वाले थे, लेकिन इन मौके पर धर्मेंद्र दोनों के बीच आ गए। फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र हेमा मालिनी को दिल दे बैठे। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। जब इस बात की भनक जितेंद्र की मंगेतर और बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी तो उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी। नतीजा ये हुआ कि ये शादी रुक गई। ये अलग बात है कि बाद में खुद धर्मेंद्र ने हेमा के साथ दूसरी शादी की। बचपन के साथ ही थे जितेंद्र और शोभा। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त जितेंद्र बॉलीवुड स्टार नहीं थे। जब जितेंद्र बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जीतू से नहीं मिल पाती थी। डेट फिक्स हुई लेकिन टल गई थी शादी। फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद 1973 में जीतू और शोभा की शादी की डेट फिक्स हुई थी, लेकिन जितेंद्र के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों की शादी टल गई। इसी बीच हेमा जितेंद्र की लाइफ में आ गई, लेकिन कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा शादी के बंधन में बंध गए। दोनों के दो बच्चे एकता और तुषार हैं। 200 फिल्मों में किया काम। करीब 200 फिल्मों में काम कर चुके जितेंद्र को फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक फिल्म में कवि शांताराम ने दिया था। 1964 में इस फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों ने। जितेंद्र ने अपने करियर में जीने की राह मेरे हुजूर, फर्ज, हम जोड़ली, कारवां, धर्मवीर, परिचय, खुशबू, तोहफा और हिम्मत वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।